स्वागत करते हैं, वेलकम सब लोगों को हमारे चैनल उम्मीद करते हैं फुल बड़े होंगे, होंगे अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए। कौन सी वीडियो बाय द वे? अच्छा, आफ्टर इंडिया विन टी20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेशी पब्लिक क्राइंग। ओहो, बंगालियों की भी चलना शुरू हो गया क्या? क्या क्यों रो रहे हैं भाई? चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, लेकिन इंसान को थोड़ी सी ताकत क्या मिल जाए, वो गुरूर पे अंधा हो जाते हैं, खुद को जमीनी खुदा समझ लेते हैं। लेकिन गुरूर का अंजाम एक ही होता है और वो बदतरीन होता है, बुरा होता है। इतना खौफनाक अंजाम होता है कि मगरूर शख्स को आखिर में मुंह छुपाने जगानी में, जैसा कि क्रिकेट में। मेरे को ये समझ में नहीं आता इन बांग्लादेशियों की क्यों सूजी हुई है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी भाई। मारो मुझे, मारो। आखिरी वर्ल्ड कप में भी इंडिया जब हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, सबसे ज्यादा मजाक भी इन बांग्लादेशियों ने बनाया था। पता नहीं क्यों इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना बाप बना रखा था। पता नहीं क्यों ये भी पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन बांग्लादेशियों को ये याद होना चाहिए, आज तुम जो खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, ये हिंदुस्तान की बदौलत है, हिंदुओं की बदौलत है। जब पाकिस्तानी आर्मी तुम्हारी बहन बेटियों को नंगा कर रही थी, बलात्कार कर रही थी, उनको मार रही थी और चुन चुन के मार रही थी बांग्लादेशियों को, बंगाली बोलने वालों को, तब हिंदुस्तान की आर्मी ने तुम्हें सपोर्ट किया था, हिंदुस्तान की आर्मी ने तुम्हें बचाया था। बेगैर तो नालायको, और तुम्हारे लिए तो एक ही शब्द बोलूंगा, नमक हराम हो। हमारे हिंदुस्तान के लोगों में बांग्लादेश के लिए इतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी इन बांग्लादेशियों के अंदर भारत के लोगों के लिए भरी हुई है, भारत के लिए भरी हुई है। आप हमें बताइए ना। ये तो तुम शुक्र मनाओ कि मुझे बंगाली समझ में नहीं आती है तो बचे हुए हो, नहीं तो पाकिस्तानियों की तरह तुम्हें भी रगड़ दिया जाता। जैसे ये पाकिस्तानी देखिए कितना खुश हो गए, अफ्रीका को अपना बाप बना के सपोर्ट करने गया था। और आज भी दिल दुख गया भाई, दिल दुख गया। तो साउथ अफ्रीका को हम सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया की जीत देते, कांग्रेचुलेशंस टू देम इज ऑल आई कैन से, बट पाकिस्तान पे हमारा दिल है और कहीं नहीं जाने वाला। अब दुख हो रहा है पाकिस्तानी को, अब्बू जीत गए। अब्बू कैसे जीत गए? अब्बू तो जीतने नहीं चाहिए थे। निकम्मी औलाद, मजा ना स्वाद। वाह भाई वाह। अब आप मिलिए बाबर आजम की एक सुपर हिट चमची से। आई डोंट थिंक बाबर को इतना उन लोगों को बनाना चाहिए टीम, इट्स पाकिस्तान, इट्स नॉट बाबर्स टीम। तो सबको पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना चाहिए, ये नहीं कि बाबर है या बाबर नहीं है। बाबर कैप्टन हो ना हो, उनको अपना 100% देना है, भले कि वो नहीं देते, क्योंकि उनको बाबर से जेलसी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाबर की वजह से कोई आता है कोई जाता है। वेयर इज नॉट द ओनली वन, बाबर इज नथिंग, आई डोंट मतलब, तो एवरी प्लेयर, आई डोंट नो, बाबर कर सकता है भाई। तेरा बाबा सिर्फ गोबर करेगा और कुछ नहीं कर सकता। जबरदस्त जबरदस्त, मैं बिलीव करता हूँ कि जो लिखा है वो होने वाला है। इंडिया ने एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप, जिसे वो कहते हैं विश्व कप जो है वो उठा लिया है। आई थिंक ये लिखा था। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना, अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे। यही तो खेल है, यही गेम है। बट वो इतने आगे निकल गए हैं और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें। इंजी आलू कह रहा है कि रोहित शर्मा ने चीटिंग से वर्ल्ड कप जीता। खोपड़ी तोड़ साले। क्या मैच हुआ और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। नो 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 नो, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6/16 चाहिए, और आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5/10 है, यानी वर्ल्ड कप। वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में उन्होंने, बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिलाखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। याद रखा जाएगा रोहित शर्मा एक कैप्टन था, उसके कैप्टनसी के अंदर जो है वो इंडिया दुनिया के अंदर क्रिकेट के अंदर बादशाहत करती रही है। जलवा है हमारा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा, उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहां से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। जो मैटर करता था ना यार रोहित शर्मा के लिए वो विराट कोहली करता था, उसका फेलियर मैटर नहीं करता था, रोहित शर्मा को उसका टीम में होना मैटर करता था।
हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, सबको खुशी हुई, सब खुश थे, मैं भी खुश था। मैंने रोहित शर्मा की फोटो पे माला चढ़ाई, फूल गिराए, मिठाई खिलाई, मैंने अपनी तरफ से सेलिब्रेशन किया। तो ऑलमोस्ट काफी ज्ञानी जनों ने मुझे कहा कि तुमने एक जिंदा आदमी पे फूलों का हार चढ़ा दिया। तो मेरे भाई, जब कोई हमसे मिलने आता है, कोई एयरपोर्ट पे आता है, जब हम शादी करते हैं तब भी तो फूलों की माला डालते हैं। अब मैं रोहित शर्मा, मैं एक आम आदमी हूँ, आप भी एक आम आदमी है, आपको और मुझे क्या रोहित शर्मा मिल सकते हैं सामने आके, हम रोहित शर्मा से मिलने आ रहे हैं, हमको मिला दो? नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो हम अपनी खुशी कैसे इजहार करें? हमारे पास तो एक ही तरीका है, रोहित शर्मा की फोटो पे माला चढ़ा दो। माला वैसे नहीं चढ़ाई गई श्रद्धांजलि के तौर पे, स्वागत के तौर पे चढ़ाई गई थी। फूल बरसाए गए थे, वो स्वागत के तौर पे बरसाए गए थे कि भाई हम इसी को रोहित शर्मा मान लेते हैं फोटो को। ऐसे तो माला हम भगवान को भी चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ कल्चर है फूल माला मरे हुए लोगों पे भी चढ़ाते हैं, लेकिन फूल माला हम और भी बहुत जगह चढ़ाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपको किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दो दिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोगों से डर गया था मैं, नहीं मेरा गला खराब हो गया था, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि मैं तो वीडियो बना के चला गया। फिर मैं सेलिब्रेशन कर रहा था जबरदस्त वाला, चीख चीख के गला खराब हो गया। अभी भी खराब है, लेकिन दो दिन में रिकवर हो गया। सूर्या कुमार की जो कैलकुलेशन थी बाउंड्री पे, आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट टूर्नामेंट, उन्होंने पेट्रोलिंग किए विराट कोहली ने और सूर्या कुमार ने, मिड ऑन से मिड ऑन, मिड ऑफ से मिड ऑफ, यही होती है स्मार्ट कैल। विराट कोहली जो है वो ना बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, वो पूरे पूरे सीजन में नहीं चला, पूरे टूर्नामेंट स्कोर बनाया उसने। ऐसे ही जब भी टीम को जरूरत होती है विराट कोहली चलता है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट कोहली ने ही मैच जितवाया था, 18 बॉल में उसने 48 रन किए, और वो एक बहुत बड़ा लेजेंड प्लेयर है। ओके, सो ये थी वीडियो। तो ये थी आज विराट कोहली को, तो मैं क्या कहूँ, वो तो है ही लेजेंड उसका। लेकिन एक चीज है, ये पाकिस्तान का तो समझ आता है कि पाकिस्तान और इंडिया का तो बंगाली कहाँ से कूद पड़े भाई यहाँ पे। ये तो हमारे टीम कभी कभी कभार मजाक उड़ाते हैं भाई अफगानिस्तान का, खुद तो 30-40 साल से क्रिकेट खेल रहा है, अभी तक सेमीफाइनल खेला भी नहीं। हम लोग तो 10-15 साल से खेल रहे, सेमीफाइनल तो खेल लिया, एशिया कप में भी हम निकल आते। नहीं था वो जो 290 का स्कोर था, फिर जब चेस नहीं हुआ जो आउट हो गए, हम नहीं समझ सकते जो मैच था। अब वो पहले भी खेल लेते भाई, थोड़ा समझ गए, लेकिन ये लोग तो उतना भी नहीं कर पाते। तो ये एक चीज है, बस पाकिस्तान को तो समझ आता है ये लोग क्यों इंडिया। हालांकि मैंने किसी इंडियन को भी ये नहीं सोचे देखा है कि वो बांग्लादेश को बुरा भला कहता हो, चाहे क्रिकेट में हो या पॉलिटिक्स में हो, मैंने नहीं देखा है। लेकिन ये लोग, अच्छा वो जो वीडियो तो मेरे ख्याल में रियल में थी जो, हाँ तो चक्का और चक्का है, लेकिन वो क्या एकदम से मोय मोय हो गया। ये लोग यार बस क्या कहूं भाई, बेंगल तो समझ नहीं आते। बाकी ये वीडियो थी, सोचा ब्रेक करते हैं, मीडिया जीत गई, हम क्या करें भाई, इंडिया को जितना ही था वो जीतेंगे ही। मेहनत की भाई, मेहनत की, हार्डवर्क की थी भाई, आप लोग भी हार्डवर्क करो। मैं ये कहूंगा बैड लक, हाँ बैड लक था उनका, चौकर्स है भाई, हमेशा चौकर्स ही रहेंगे। इंग्लैंड लिखी हुई थी, बाकी वीडियो पसंद आई प्लीज वॉच द फॉरवर्डर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, लाइक भी करें तो पता चले कि सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।